बात है, एक राजा ने अपने नाई को देखा, बड़ा निश्चिंत रहता है, कुछ भी नहीं है उसके पास। मेरी तेल मालिश कराता है, स्नान करके जाता है, मेरे बालों को ठीक करता है, फिर भी इतना खुश रहता है। तो उसने अपने नाई से पूछा कि बड़ा खुश रहता है, माई बाप सब आपकी दया है, और तो क्या है, रोज खाने कमाने को मिल जाता है, बड़ा बस और क्या चाहिए। तो उसने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं राजा होकर भी इतना खुश नहीं हूँ, ये नाई होकर भी इतना खुश है। तो राजा से गुरुजी ने कहा कि महाराज, आप इसे 1 रुपया रोज देते हैं और वो उस 1 रुपये से इसके रोज का जीवन चल जाता है। आप ऐसा करिए कि इसके घर में 19 दे दीजिए और फिर देखिए, 19 से 20 कभी हो नहीं पाएंगी। और फिर ऐसा ही किया राजा ने, 19 असरफी उसके घर में डलवा दी। 19 जब डाली तो वो पहुंचा घर, तो उसने कहा 19 है तो आज जो राजा से 1 मिले उसको भी इसमें जमा कर देंगे तो 20 पूरी हो जाएंगी। आज राजा ने दी नहीं, बोले 19 पहुंचा तो दी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 19 दिन इंतजार कर लो, फिर 1 मिलेगी तो पूरी हो जाएंगी। बड़ा चिंतित रहने लगा, किस दिन 1 मिलेगी और ये पूरी हो जाएंगी, किस दिन 1 मिलेगी और पूरी हो जाएंगी। 19 को खर्च ही नहीं किया, क्योंकि 19 को खर्च करेंगे तो 18 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 19 को खर्च नहीं किया, भूखा प्यासा रहने लगे, सूखने लगे। घर में 19 थी पर फिर भी भूखे प्यासे रह रहे हैं, क्योंकि अगर खर्च किया तो 19 से 18 रह जाएंगी, फिर कहाँ से लाएंगे, वो 1 रुपये का तो खर्च है ही, 18 से 17 रह जाएंगी, फिर कहाँ से लाएंगे, उतने का खर्च तो है ही, तो किसी दिन पूरे 20 हो जाने दो, फिर आगे खा लेंगे। तो राजगुरु ने कहा, महाराज देखा 19 है फिर भी भूखे मर रहा है, किसी दिन 1 भी नहीं थी, 1 था उसको पूरा की पूरा खा लेता था, आज 19 है लेकिन भूखा मर रहा है कि 18 ना हो जाए, 19 में 1 किसी दिन मिल जाए तो ये पूरी 20 हो जाए। महाराज यही आपकी अशांति का कारण है, संसार की अशांति का कारण यही है कि उसके पास 19 है पर उस 19 को खर्च नहीं करता, खत्म हो जाएंगी फिर आगे क्या खाऊंगा। जिसके पास आज खाने को है वो कल की चिंता कर रहा है, जिसके पास कल है वो अगले साल की चिंता कर रहा है, जिसके पास अगले साल की भी है वो मृत्यु की चिंता कर रहा है, बुढ़ापे में मेरे पास कहाँ से आएगा, कहाँ से इकट्ठा होगा, बुढ़ापे में मैं क्या करूँगी, बुढ़ापे में मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास जमा पूंजी होनी चाहिए, क्या करूँगा क्या खाऊंगा मैं बुढ़ापे में, अब इंतजाम कर लूँ तो बुढ़ापे में खाऊंगी, बुढ़ापे में रहूंगी। लेकिन सन्यासी को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। जैसे अजगर को कहीं ना कहीं से भोजन उसके पास बैठे मिल जाता है, ऐसे ही जिसने भीतर से सन्यास ग्रहण कर लिया है उसको भोजन किसी भी अवस्था में मिल जाता है। उसको जीवन परमात्मा को जीवाना है तो वो व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, उसको उसके लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी, मेरे बच्चों को क्या दे करके जाऊंगा, मैं कम से कम बच्चों को देकर जाने के लिए कुछ इंतजाम करूं, मेरे पोते को क्या दूंगा मैं, मेरा पोता जब मुझसे पूछेगा कि बाबा मेरे लिए क्या छोड़ा, दादाजी मेरे लिए क्या रख छोड़ा, तो मैं क्या दूंगा। जब मेरी बहू आकर के पूछेगी तो उसके लिए सोने का हार चाहिए कि नहीं मेरे पास, नहीं तो वो खुश नहीं होगी। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि एक साधक को, एक साधु को, एक सन्यासी को संग्रह वृत्ति से मुक्त होकर उसको अपरिग्रही होना चाहिए, उसे केवल और केवल वर्तमान के क्षण में जीना चाहिए। मैंने ऐसा मधुमक्खी से सीखा।